जी बिलाल साथ ही मौजूद रहेगा, क्वेटा की सूरत हाल बताएंगे इब्रार अहमद। इब्रार बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी हाँ बिल्कुल, इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपीलें हैं उसकी समाअत का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कायम है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसकी समाअत जो है जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर नवाज राना जो है वो समाअत कर रहे हैं। आज बिल्कुल इसका आज आखिरी रोज़ है। मजमूई तौर पर जो 405 जो अपीलें हैं वो यहाँ पर दायर की गई थी, जिसमें से 360 जो है वो जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि 15 जो हैं जो इनके अपीलें थी उसको खारिज कर दिया गया है, जबकि जो 10 हैं उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था जो आज सुनाया जाएगा। अहम सियासी शख्सियात की अगर बात की जाए तो उसमें सरदार अख्तर मैंगल जो हैं उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, साबिक वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल जो हैं उन्हें इजाज़त दी गई है, जबकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उन्हें भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया।